हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने पल्सर में ये जो हैंडल ग्रिप है ये चेंज करने वाला हूँ। ये डोमिनर की डालने वाला हूँ मैं हैंडल ग्रिप, क्योंकि ये 2010 मॉडल है पल्सर। तो इसकी हैंडल ग्रिप, ये रबर बहुत धूप से बहुत हार्ड हो चुका है ये, और हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है इसको बाइक राइड करने पर। तो मैं अभी चेंज करने वाला हूँ, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या लगेगा उसके लिए, कौन सा पार्ट नंबर है, सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उसके लिए आपको एक ग्रिप लगेगा, जो राइट साइड का जो एक्सीलेटर केबल जहाँ होता है वहाँ पे ग्रिप लगता है वो लगेगा, और उसका प्राइस है 50 रुपीज़। तो ये ग्रिप हैंड राइट साइड लिखा हुआ है इसमें, और इसका मॉडल नंबर है DH191068, और ये अभी का ही पैकिंग है, 8 मंथ 2020। क्योंकि अगर ओल्ड लोगे तो ओल्ड वाला अगर लोगे तो आपको रबर एकदम हार्ड मिलेगा, इसलिए ओल्ड वाले ने आपको न्यू वाला ही परचेस करना पड़ेगा। 1 साल तक चलता है, पर 2018-17 लोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेगा आपको। ये 2019 का है, क्योंकि 20 का मिला नहीं मुझे। ये है 70 रुपीज़ का, ये लेफ्ट हैंड का है, ग्रिप हैंड लेफ्ट साइड, DH191061 इसका मॉडल नंबर, और इसका 68 था, 68 मॉडल लास्ट में 68 था, उसका 67 था। और आपको ग्रिप और अंदर का जो थ्रॉटल पाइप है वो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने ये KTM का लिया है, इस ओरिजिनल स्पेयर पार्ट, यही वाला डोमिनर में भी लगता है सेम। इसका JG151022 37 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये दिसंबर कब का है इसमें लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ मिट गया है यहाँ पे पैकिंग में, इसमें लास्ट में है ये। तो मैं ये लगा लेता हूँ और बताता हूँ आपको। वो पाइप, मैंने पाइप अभी इसमें लगा दिया है अपने थ्रॉटल केबल में, ये इसका थ्रॉटल केबल इसमें मैंने लगा दिया। ये जो ग्रिप मैं बोल रहा था आपको, ये है वो ग्रिप जो आपको ये वाला मॉडल में मिलेंगी, 50 रुपीज़ इसकी MRP है। सिर्फ ग्रिप ही है आपको, ग्रिप ही मिलेगा, और ये थ्रॉटल केबल आपको, थ्रॉटल ये थ्रॉटल पाइप आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा आपके बाइक के हिसाब से। आप अपने बाइक का मॉडल का भी लगा सकते हो, जैसे पल्सर में लगा रहता है, पर इसमें तो जॉइंट ही होता है, थ्रॉटल केबल अलग से नहीं आता है इसमें, इसमें जॉइंट ही होता है, इसका अलग से नहीं मिलेगा। तो ये डोमिनर का मैंने लिया है हैंडल ग्रिप, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, ऐसा थोड़ा बढ़िया डिज़ाइन है इसका, और हैंडल ग्रिप भी बढ़िया, एकदम सॉफ्ट है। इसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि ये बाइक ओल्ड है, तो अभी ये मैं फ़र्स्ट टाइम चेंज कर रहा हूँ। ये हाथ पे पूरा पेन होता है इससे, इसलिए मैंने ये बढ़िया वाला हैंडल ग्रिप परचेस किया है। तो ये लगाने वाला हूँ, ऐसी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन के लिए। आप किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो। और ये हैंडल ग्रिप क्लोज़र लुक दे देता हूँ आपको, और ये थ्रॉटल केबल मेरे को कंफर्म नहीं है लगेगा, अगर लग जाएगा तो फिर आपको इसका पूरा, ये जितने भी मैंने इंस्टॉल किया इसका सब मॉडल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वाला KTM का है, ये आपको फिर से दिखा देता हूँ इसका पार्ट नंबर, यह इसका पार्ट नंबर, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ख़रीदा है मैंने KTM का। अब KTM और डोमिनर का सेम ही पार्ट है ये, पर यही वाला पार्ट आपको डोमिनर में भी मिलेगा बजाज की पैकिंग में। और इसका लेफ्ट हैंड साइड का एक ग्रिप भी दिखा देता हूँ, इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यह है इसका लेफ्ट हैंड साइड का ग्रिप, जो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा आपको, ये साइड का बार एंड निकालना पड़ेगा आपको। तो मैं अभी आपको पूरा फुल प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। ये है, और थ्रॉटल केबल आपको खुद से डालना पड़ेगा अंदर, ये थ्रॉटल केबल अलग मिलता है, और ये ग्रिप अलग मिलेगा आपको। ये ग्रिप 50 रुपीज़ का है, थ्रॉटल केबल 37 रुपीज़ का है, ऐसा 37 रुपीज़ का है, और मैंने इसमें डाल दिया। इसमें ऐसा ग्रूव बने होते हैं, एक मिनट आपको दिखाई देता हूँ, बट ओपन करके दिखा देते हैं, ऐसे ग्रूव बने होते हैं, तो बराबर ग्रूव में आपको फिक्स करना पड़ता है इसे, और ये लास्ट में भी ग्रूव बना हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसा ग्रूव बना हुआ है, उसमें बराबर फिक्स होना चाहिए, इसके अंदर बराबर फिक्स होना चाहिए, तभी आपको परफेक्ट फिटिंग मिलेगा। और मैं अभी अभी इंस्टॉल कर देता हूँ, ये हैंडल बार एंड निकाल लेता हूँ मैं अभी, तो आपको पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बार एंड ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे 5 नंबर का एलन की लगेगा, ये वही टूल किट है स्टेनले का। अगर इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका।
ये निकाल दिया है मैंने, और राइट साइड का भी निकाल लेता हूँ। और ये आपको ग्रिप ऐसा घुमा घुमा के निकाल लेना है आपको बाहर, तो मैं निकाल लेता हूँ। और ये वीडियो स्क्रिप्ट नहीं करने वाला हूँ मैं, ये फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ आपको। ये नया हैंडल ग्रिप और ओल्ड वाला भी दिखा देता हूँ आपको। ये ओल्ड वाला ग्रिप न्यू इंस्टॉल करने के लिए आपको हल्का सा ऑयल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, मैं लगा लेता हूँ। तभी ये इजीली इंस्टॉल हो पाएगा। अब राइट साइड का दिखा देता हूँ आपको, पहले आपको लेफ्ट साइड का दिखा देता हूँ मैं। ये लेफ्ट साइड का मैंने जैसा निकाला था वैसा इंस्टॉल कर दिया, और इसको लगाने के लिए आपको ऑयल लगाना पड़ेगा, तभी ये फिक्स हो पाएगा, नहीं तो ये फिक्स नहीं होगा। और ये मैंने बार इन लाइट एकदम परफेक्ट फिटिंग आया, देखो फिटिंग। और लास्ट में फिर से दिखाने वाला हूँ मैं, तो चलिए अभी राइट साइड का लगा लेते हैं। ये 5 mm की एलन की लगेगी आपको राइट साइड में भी, और आपको यहाँ पे फ्लिप साइड स्क्रू ड्राइवर लगेगा। देखो एक बोल्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मैं ये ओपन कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि मोबाइल होल्ड करने के लिए कोई है नहीं अभी। ये मैंने ओपन कर दिया है, और आपको फ्लिप साइड स्क्रू ड्राइवर लगेगा। सामने में छोटा स्क्रू होता है और पीछे में थोड़ा बड़ा स्क्रू होता है, और स्क्रू भी दिखा देता हूँ आपको। ये है वो स्क्रू, ये सामने का है और ये पीछे का है। मैंने ओपन कर लिया है, अभी आपको दिखाता हूँ इसको निकालना कैसे है। ये आपको निकालने के लिए यहाँ पे एक थ्रॉटल केबल है, ये आपको हल्का सा आगे इसको ऐसा खींच लेना है, और इसको हल्का सा आगे निकालना है ऐसा, और इसको ऐसा करके आपको ये थ्रॉटल आपका बाहर आ जाएगा। ये आपका थ्रॉटल बाहर आ गया, और सेम साइज़ का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, सेम ही साइज़ का ये। अभी लगा के भी फिक्स करके देख दिखा देता हूँ आपको। ये वो थ्रॉटल केबल, और ये है ओल्ड वाला, और ये है KTM वाला। पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। ओल्ड हैंडल ग्रिप और न्यू हैंडल ग्रिप में भी दिखा देता हूँ कैसा है, चेंजेस किया हुआ है। ये है ओल्ड हैंडल ग्रिप, और ये पल्सर का ही है, बजाज पल्सर ग्रिप। इसका अलग से ग्रिप भी आता है, पर मैंने ये KTM वाला ग्रिप लिया है, डोमिनर वाला। ये KTM के स्पेयर पार्ट में मिलता है, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट, पर ये डोमिनर का है। और इसको यहाँ पे हल्का सा कटआउट दिया हुआ है वायरिंग के लिए, और इसमें जो कटआउट दिया है वो कटआउट नहीं दिया हुआ है इसमें, इसमें हल्का सा ऐसा उसी में मिक्स किया हुआ है। और ये अभी ये मैं अगर आपको मेरे जैसे ही करना है तो आप कर सकते हो। मैंने ये जब ये पाइप लेने गया था तब मैं ये मेरे पास ये एक्स्ट्रा रॉड है, ये फ्यूचर में गिव अवे भी करने वाला हूँ, मेरे पास है दोनों रॉड है, तो उसका रॉड सैंपल के लिए लेके गया था ये, इसलिए इसमें देखो फिक्स आ रहा है एकदम बढ़िया। अभी इसके अंदर देखते हैं फिटिंग होता है या नहीं, तो आपको दिखाता हूँ। और ये नया हैंडल ग्रिप मैंने लगा दिया, अब इसका थ्रॉटल केबल देखते हैं, लगता है कि लग तो जाएगा, ऐसा कोई है नहीं। सबका थ्रॉटल केबल का ये जो पिन आता है ना, सबका सेम ही होता है, आपको नीचे से लूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रॉटल केबल इसको खींच के रखिए और इसमें इंस्टॉल कर दीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है पर हो जाएगा। ये लगा दिया है मैंने इसके अंदर, वैसे ही जैसे आपने ओपन किया था वैसे ही लगा देना है। और इसका ये पूरा सिस्टम, ये लग गया एकदम परफेक्ट फिट हुआ है। अभी मैं ये इसके ग्रूव में थोड़ा सा ये यहाँ पे जो होल दिया रहता है, और यहाँ पे जो ये हल्का सा पार्ट दिया हुआ रहता है इसके अंदर, वो फिक्स करना है, ये थोड़ा टाइम लगता है उसमें के लिए। तो मैं ये पूरा फिट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं अड़ तो नहीं रहा है करके। ये दोनों स्क्रू लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक छोटा वाला स्क्रू लगेगा और पीछे साइड में बैक साइड में थोड़ा बड़ा स्क्रू लगेगा। दोनों साइड का स्क्रू लगा देता हूँ, और ये बार एंड वेट लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
ये मैंने फिक्स कर दिया राइट साइड का। इधर ये बैक साइड में आपको बड़ा स्क्रू लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे सामने में यहाँ पे एक होता है स्क्रू, ये छोटा स्क्रू है। और ये थ्रॉटल केबल देखो मैंने अभी चेंज कर दिया, यहाँ पे हल्का सा गैप तो पल्सर में भी आ रहा था, थोड़ा सा गैप, क्योंकि ये फ्री ऐसा घूमने के लिए, ये मैंने फिक्स कर दिया है। और आपको दिखाता हुआ देखो, कहीं भी टच नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है सब। और थ्रॉटल केबल तो सब KTM और बजाज का सब सेम ही होता है, थ्रॉटल जो पाइप होता है उसका, क्योंकि वो जो एक्सीलेटर वायर होता है उसका जो ऐसा पिन होता है वो सबका सेम ही होता है बजाज बजाज के इसमें हर मॉडल में। ये मैंने लगा दिया, और लेफ्ट साइड का भी दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने डोमिनर का हैंडल ग्रिप लगाया, डोमिनर 400 जो अभी न्यू मॉडल 2020 मॉडल वाला है ये, और 2018 का थोड़ा अलग है, थोड़ा डिज़ाइन अलग है, ये 2020 वाला है। और इसके अंदर जो थ्रॉटल केबल है वो भी डोमिनर का ही है। आपको स्पेयर पार्ट का जो भी मैंने स्पेयर पार्ट लगाया उसका सब मॉडल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये देखिए लुक, बढ़िया लुक आ रहा है एकदम। अभी थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि अभी जस्ट बारिश आने ही वाली है। आपको मौसम भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए पूरा बादल वाला मौसम हो चुका है, बारिश अभी आने ही वाली है। जस्ट मैं इसको पैक करता हूँ और इसको ढक के रख देता हूँ बाइक को। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी छोटी मोटी यूनिक मॉडिफिकेशन पे वीडियो मिल सके। और ये नेक्स्ट वीडियो में ये स्टिकर मैंने इंस्टॉल किया है, चीप एंड बेस्ट स्टिकर, आपको रेडियम शॉप आपके नागपुर में कहाँ मिलेगा वो मैं सब अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।